इंदौर के नवलखा बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह एक बस में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर काबू कर लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि पाटीदार ट्रेवल्स की बस में आग लगी है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर भेजी गई, जिस पर एक टैंक पानी डालकर काबू किया गया। फायर ब्रिगेड के अफसरों ने बताया कि बस इंदौर से अहमदाबाद के बीच चलती है। मंगलवार सुबह ड्राइवर बस में वेल्डिंग करवाने पहुंचा था। वह दुकान की तरफ जा रहा था, अचानक इंजन की तरफ से धुआं निकलने लगा। इसी बीच बस में आग फैल गई। ड्राइवर बस रोककर बाहर की तरफ कूद गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक संभवतः इंजन में खराबी के चलते आग की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक बस धारीवाल ट्रेवल्स पर अटैच है। हादसे के समय बस पूरी तरह से खाली थी। आग की सूचना पर बीट के जवान उमाशंकर शर्मा और शामू सिंह द्वारा आसपास एकत्रित हुई भीड़ को सुरक्षित घटनास्थल से हटाया गया। आग के समय कई लोग बस के पास जाकर उसका वीडियो बनाने में जुटे हुए थे, जिसमें जनहानि की संभावना बन गई थी। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.